लाइव न्यूज में आपके साथ मैं हूं सलमान शेख और इस वक्त हम मौजूद है शंकर मंदिर परिसर के बाहर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जयेश के कार्यकर्ता मौजूद है मेरे साथ। आज जयेश के बैनर तले तमाम आदिवासी संगठनों ने एक विशाल गेंद निकाली। आज हम उन्हीं से कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी बात क्या, आज क्या आयोजन इस प्रकार का इन्होंने आयोजन किया है, किस तरह का आयोजन था। आज मेरा पहला सवाल ये है कि भगोरिया क्या है? भगोरिया हाट है और आदिवासी को जो बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और इसमें कई लोगों ने कंट्रोवर्सी की। इसमें जो बाहर से लोग आते हैं वो बोलते हैं कि इसमें भगोरिया हाट में ये भगाना होता ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो संस्कृति है उसको हम लोग बड़े धूमधाम से उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे इसमें जो आप लोग देख रहे हैं इसमें साथी लोग हमारे युवा साथी हैं, इसमें अधिकारी कर्मचारी लेकर सामाजिक संगठन सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और एक बड़ी धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है कि पंचायत चुनावों का बिल्कुल बच चुका है, जयेश की क्या भूमिका रहेगी? जयेश की ये भूमिका रहेगी इस पंचायत चुनाव में जो भी इस बार उम्मीदवार रहेंगे वो बिल्कुल जयेश से समर्थित भी रहेंगे और उनको हम ऐसे उम्मीदवार चुनेंगे जो हमेशा समाज के बीच में रहे, समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करें, वो शिक्षित रहे, जागरूक रहे और हमेशा संगठन को मजबूत बनाए रखे, ऐसे उम्मीदवार को हम तैयार करेंगे। मेरा आपसे सवाल है जो प्रदेश में जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है आपकी जो मांगे थी क्या वो पूरी करेगी? निश्चित कांग्रेस सरकार मांगे को देश में जो मांगे रखी थी भविष्य में उनको पूरा कर रही है, उसमें बातें मुकर रही है। उसमें आगामी आने वाले चुनाव जो पंचायत चुनाव है उसमें दिखाएंगे उनको हम हमारा देश का जो है। आपसे सवाल है मेरा, आज इतना बड़ा आयोजन किया है, कहाँ कहाँ से कार्यकर्ता आए थे और ये पूरा आयोजन किस प्रकार से आपने किया? ये जो आयोजन रहा है पूरा जयेश परिवार की ओर से आयोजन रहा है, जो भगोरिया हाट प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो पूरे पेटलावाद आंदला झाबुआ और पूरे जिले से रतलाम वगैरह सारे लोग से जो जयेश परिवार से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग यहाँ पर अपने हाट को मनाने आए हैं और हमने लगभग 40 से 50 दोनों की दोनों साथ में पेटला नगर में गेर निकाली। आपसे मेरा सवाल है आज जयेश ने इतनी बड़ी गेंद निकाली है, समाज को क्या संदेश देना चाहिए? ये किसी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये केवल संस्कृति का शक्ति प्रदर्शन है। हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आदिवासियों की जो कलरफुल संस्कृति है ये इसमें जनहित समाहित है और पूरी दुनिया में ये संदेश फैलाना चाहते हैं कि आदिवासी प्रकृति को बचा सकता है और ये एक प्रकार का हाट है हमारे लिए। हमारे लोग आते हैं इसमें धूमधाम से, हमारे परिधान पहन के, हमारे पारंपरिक हथियार पहन के आते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम सब भाईचारे से रहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भगोरिया हमारे आदिवासियों का परंपरागत आदिवासी सांस्कृतिक समागम है, ये परंपरागत प्रतिवर्षानुसार हर साल हम होली का दहन के सात दिन पूर्व क्रमबद्ध तरीके से हम मनाते हैं जिसमें सांस्कृतिक वेशभूषा में पेश आते हैं और एक एकता का संदेश देते हैं। तो ये थे जयेश के कार्यकर्ता मेरे साथ, इन्होंने बात की, समाज के कुछ मुद्दों पर चर्चा भी की। आज पेटलावाद भगोरिया हाट में काफ़ी कुछ संगठनों ने गेंद निकाली, कांग्रेस के संगठन से सेवा भारती की एक विशाल गेंद निकली थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए।